हम कभी गल के हॉस्टल में गए नहीं गए। हमारे छोटे बच्चों की जो है 20-25 बच्चे जो थे फर्स्ट ईयर के, इस बार क्लैट में लड़कियों की संख्या का एडमिशन ज़्यादा हो गया है, लड़कों की संख्या कम है। हमारे यहाँ 20-25 लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो गई है, तो कुछ कमरे बहुत छोटे हैं जिसमें एक ही बच्चा रह सकता है, लेकिन हम अपनी मजबूरी में दो बच्चों को रख रहे हैं। उन बच्चों के को टेबल और उसकी आलमीरा की कुछ प्रॉब्लम थी तो उनको दे दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि सर आकर के आप यह देख लीजिए कि इसमें हम मेज रखें कहाँ, हमको टेबल और आलमीरा रखने कोई जगह ही नहीं है। लगातार बच्चों के रिक्वेस्ट आ रही थी और उन बच्चों के रिक्वेस्ट में हम अपने चीफ वार्डन के साथ, हम अपने जो महिला चीफ वार्डन हैं, हम उनके जो है फीमेल सिक्योरिटी गार्ड हैं, और उन लड़कियों के साथ उन्हीं कमरों में गए जिनमें प्रॉब्लम थे, अन्य हम किसी कमरे में नहीं गए। ये लड़कियां खुद लेके गई थी, खुद लड़कियां थी साथ में। पर एक एक वीडियो आई जिसमें आपने भी देखा होगा, उस वीडियो में आई है। उस कमरे में पहले हमारी चीफ वार्डन गई हैं, जिसको उसका पीछे फोटो नहीं दिखाया जा रहा है। पहले हमारी लड़कियाँ गईं, हमारी जो है उसके बाद चीफ वार्डन गई, उसके बाद मैं गया हूँ। पर आपको लगता है कि ये मसला बनाया क्यों जा रहा है, फिर आप जब कह रहे हैं कि वार्डन गई थी इसमें जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लड़कों के कमरों में कोई गए नहीं थे, लड़के क्यों इसमें प्रॉब्लम कर रहे हैं? लड़कों की जो प्रॉब्लम है, जो भी बातें हैं, हम उसको पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए, बातचीत करने के लिए, हल करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसको हम जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर रहे हैं। आपका बार बार इस्तीफा मांगा जा रहा है, आप जा रहे हैं, आपने उस दिन भी रात को जाकर उनसे बात करने की कोशिश की और उसके बाद में अगले दिन भी आप उनसे बात करने के। हमारे ऊपर कोई भ्रष्टाचार, हमारे यहाँ महिला टीचर्स हैं बहुत ज़्यादा, हमारे थर्ड पीढ़ी तीसरी पीढ़ी के बच्चियों के बराबर, हम 60 साल की उम्र के हो गए हैं, ये हमारे तीसरी पीढ़ी के। अगर कोई टीचर, महिला टीचर का हमारे ऊपर कोई करप्शन का आरोप हो, कोई इमोरल कैरेक्टर का आरोप हो, तो टीचरों की बात तो समझ में आता है। इन 17-18 बच्चियों के साथ जो आरोप लगाया है, ये निहायत झूठा है। ये कपड़ा पहने को लिए बोलते हैं, या वो ये जो है इनके ड्रेस पर बोलते हैं, ये 18 से 17 साल से 22 साल के बच्चे हैं, इनको किसी भी प्रकार का कपड़ा पहनेंगे, यही तो कपड़ा पहनने की उम्र है। सर लगता है कि टाइमिंग को लेकर कुछ इशू था, जो टाइमिंग टाइमिंग के इशू को लेकर के नहीं, इनको हर हफ्ते में दो बार, हर सैटरडे संडे कुछ, हर सेकंड सैटरडे को और फोर्थ सैटरडे को हमारे यहाँ छुट्टी रहती है, कोई भी बच्चा जा सकता है, और 4 बजे तक हमारे क्लासेज चलते हैं। क्लासेज के बाद कोई भी बच्चा जा सकता है, हम क्लासेज के बाद कोई रोक नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपका यहाँ से जाना, आपका हॉस्टल में एंटर करना क्या सही था? आपने ये चीज देखी, ये आप माफी भी मांग रहे हैं? ये लड़कियों का, मैं उन्हीं कमरों में गया जो हमारी बच्चियाँ सिंगल ऑक्यूपेंसी के में कमरे में डबल ऑक्यूपेंसी में रह रही हैं, और मैं चीफ वार्डन, सिक्योरिटी गार्ड और महिला लड़कियों, जो गर्ल्स लड़कियाँ, उनके साथ गया हूँ, उनके रिक्वेस्ट पर गया हूँ। इसके अलावा और लंच टाइम में गया 2 बजे, वो लंच का समय था 1 बजे का, रात में मैं नहीं गया हूँ, और सब लड़कियां साथ ही, पूरा एविडेंस में है साथ में। इस तरह से बिना, अगर हमारे वार्डन है तो वार्डन के साथ सिक्योरिटी गार्ड और बच्चियां अगर हमको पकड़ करके ले जाएंगी कमरों में गए, और यह कोई अपराध नहीं। प्रोटेस्ट के पीछे आपको क्या लगता है कि क्या मंशा रह रही है, क्या कोई पीछे से चला रहा है इस प्रोटेस्ट को? कोई अब यह हमारे पास तरह का कुछ हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम बच्चों की हेल्थ के लिए, उनके एजुकेशन एनवायरमेंट के लिए, उस इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हम अगर जो भी होगी हम अपने महिला टीचरों के साथ मिलकर, अपने बच्चियों के साथ मिलकर, उसको गर्ल्स के साथ मिलकर के रिजॉल्व करने का प्रयास। एक कमेटी भी बनी है, कमेटी में कई मेंबर थे, उसमें से 3 कमेटी के मेंबर। हाँ रुक जाए, हम कल हमने 5 बजे जो है हमारे यहाँ टीचर बैठे थे, और कुछ लड़कों ने कहा कि आइए हम रिक्वेस्ट कर मिल लेते हैं। 9 मेंबर की कमेटी है, एक उसमें चंडीगढ़ के थे, एक और कोई प्रॉब्लम में थे, तो उन्होंने कहा हम नहीं आ सकते हैं। हमने कहा शेष टीचर जा करके बात करें, और 100 टीचरों ने बात किया, वो उनको जो भी वेलकम है, आज की यूनिवर्सिटी खुल जाएगी तो हम उनके साथ बात करेंगे। इस तरह की कोई बात, हमारा पूरे टीचर कम्युनिटी के ऊपर हमारा विश्वास है, हम सब टीचरों पर विश्वास करते हैं और हम लोग सामूहिक रूप से काम करें। हॉस्टल की जो भी खाने में जो भी प्रॉब्लम है, स्टूडेंट की गर्ल्स हॉस्टल की कमेटी अलग है, बॉयज हॉस्टल की कमेटी अलग है, हम प्रतिदिन दोपहर में भी उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, शाम को भी सुनते हैं, और अपनी कमेटी के टीचरों के साथ और स्टूडेंट के साथ मिलकर हम प्रतिदिन उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सर आप लगातार माफ़ी भी मांग रहे थे, आप जा भी रहे थे,
माफी का कोई सवाल ही नहीं है, हम प्यार से हमारी बच्चियां हैं, माफी का कोई बात, अगर कोई कहती हैं कि ऐसा कुछ हो गया, हमने ना उनके साथ कुछ किया है, बता रहे हैं हमारे करप्शन का कोई आरोप है, कोई अगर महिला टीचर लगाती तो एक बार समझ में आता है ये बच्चों के साथ हम क्या कर सकते हैं। ये ना अभी तक, अभी इतने पूरे रोल में 4 दिन हो गए, इसमें आपके पास कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने इसमें दखलंदाजी की है, आपसे जवाब मांगा इस चीज़ को लेकर? ये यूनिवर्सिटी पर हाई कोर्ट का कंट्रोल है, और हाई कोर्ट को हम उनको जो जो भी हो रहा है उनको लिखित जो है जमा हाई कोर्ट में बात कर रहे हैं और हाई कोर्ट को सूचना दे रहे हैं। पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर ने भी आपसे एक रिपोर्ट मांगी कि हम उनको हम रिपोर्ट अभी तुरंत भेज रहे हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया जी, अभी अभी हम उसको रिपोर्ट बना करके हमारी यूनिवर्सिटी तरफ से हम गवर्नमेंट को। आप क्या अपील करते हैं स्टूडेंट को कि अभी आप पहली बार, आप हम स्टूडेंट से अपील करते हैं कि इस आंदोलन को वापस लें, जितनी भी उनकी समस्याएं हैं और हम उसको मिल करके बैठ करके और रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आप होपफुल हैं कि जल्दी हो जाएगा? हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी से हम सॉल्व करेंगे।